आज की जो क्लास है उसमें हम एमएस वर्ड में सिंबल ऑप्शन के बारे में जानेंगे। एमएस वर्ड में कुछ ऐसे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जिनको हमें इंसर्ट करना होता है या टाइप करना होता है, कीबोर्ड में टाइप करने की सुविधा नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको इंसर्ट टैब के अंदर यहाँ सिंबल ऑप्शन दिखेगा, आपको सिंबल ऑप्शन में जाने पर ये काफ़ी सारे ऐसे सिंबल्स दिख रहे हैं जैसे इन्फिनिटी का साइन, इसे आप कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते। तो अगर आपको मैथ्स के पेपर बनाने हैं या कुछ ऐसा सिंबल अपने डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट करना है जो कीबोर्ड से टाइप नहीं किया जा सकता, ऐसे सिंबल्स को आप इंसर्ट कर सकते हैं सिंबल ऑप्शन से। क्लियर है? तो यहाँ पर हम इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिंबल ऑप्शन जो है आपको इंसर्ट टैब में मिलेगा। इंसर्ट टैब में आपको जाना है और यहाँ पर आपको लास्ट में सिंबल ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें कुछ फ्रिक्वेंटली यूज्ड सिंबल की लिस्ट तुरंत डिस्प्ले होती है, जैसे नॉट इक्वल टू, डिवाइड का साइन, पाई, इसके पर रखेंगे तो आपको दिखाई भी देगा। क्लियर? इसको आपको स्टार का साइन जो है, ये टीम का साइन है, ट्रेडमार्क बोलते हैं इसको, और ये कॉपीराइट का है, तो इस तरीके से ये रजिस्टर्ड का है, काफ़ी सारे सिंबल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके अलावा आपको कुछ और सिंबल्स चाहिए तो मोर सिंबल्स में आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी एडिशनल सिंबल्स यहाँ पर दिखाई देंगे। क्लियर है? तो ये रिसेंटली यूज सिंबल की लिस्ट यहाँ पर दिख रही है और आप यहाँ पर ऐसा सर्च कर सकते हैं कि कौन से सिंबल आपको चाहिए। इसमें बहुत सारे एडिशनल सिंबल्स हैं और ये फॉन्ट के साथ आपको मिलते हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो फॉन्ट के साथ इसमें सिंबल यहाँ पर मिलेगा आपको। इसके अलावा आप यहाँ पर इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे दूसरा सबसेट लेंगे तो अलग अलग टाइप के सिंबल्स और मिलेंगे आपको, जैसे रुपीस का सिंबल है और इस तरीके का सिंबल है। बहुत सारे इसमें अलग अलग सिंबल्स को यूज कर सकते हैं, तो कैसा सिंबल आपको लेना है उस पर डिपेंड करेगा ये चीज। क्लियर? इन सिंबल्स का आप शॉर्टकट बना सकते हैं, ऑटो करेक्ट भी बना सकते हैं। क्लियर? तो ये सिंबल ऑप्शन से हम यहाँ पर सिंबल बना सकते हैं। तो कुछ सिंबल्स मैं आपको इंसर्ट करके यहाँ दिखा देता हूँ। पहले मैं फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर दिखाई दे, ठीक है? नेक्स्ट मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जैसे ये सिंबल्स आपको दिखेंगे, नॉट इक्वल टू, डिवाइड, पाई, स्टार वाला सिंबल, डिग्री वाला, डिग्री सेंटीग्रेड जो होता है वो वाला सिंबल, इंटरसेक्शन, ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड, कॉपीराइट, इसको लेमडा बोलते हैं, ऐसे कुछ कुछ सिंबल्स हैं दूसरे दूसरे, गामा, लेमडा, इस टाइप के सिंबल जो आप टाइप नहीं कर पा रहे हैं और आपको कभी ज़रूरत पड़ती है तो आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इनटू, मैथमेटिक्स का पेपर बनाना है तो म्यू, और आपका बीटा, अल्फा, ये सारे सिंबल्स आपको मिलेंगे यहाँ पर। तो कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे होंगे जिनमें आप इन सिंबल्स को यूज करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो असाइनमेंट के क्वेश्चन है, इसमें ये वाला जो क्वेश्चन था ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, या ये वाला जो टाइप करना है आपको, ये सिंबल ऑप्शन सही होगा। प्लस क्वेश्चन नंबर 5 आप देखिए, यहाँ पर कॉपीराइट, रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क और डिग्री सेंटीग्रेड, ये सब चीज अगर आपको टाइप करना है ऐसा, तो आपको सिंबल ऑप्शन का यूज करना होगा। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ये आपको बनेगा इंसर्ट में सिंबल ऑप्शन का। यानी ये क्वेश्चन इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि आप इंसर्ट में सिंबल ऑप्शन को सीख सकें। क्लियर है? तो आइए हम आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट वाला जो ऑप्शन है, यानी कि इंसर्ट टैब के अंदर ऑब्जेक्ट ऑप्शन होता है। देखिए इंसर्ट टैब में हम यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, वाइवा में भी पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट के नाम से ना आकर के OLE के नाम से आता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर रखने पर इंसर्ट ऑब्जेक्ट का डिस्प्ले कर रहा है टूल टिप में, और साथ ही साथ लिखा है इंसर्ट एन OLE ऑब्जेक्ट इनटू द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में OLE ऑब्जेक्ट को इंसर्ट करना, और क्वेश्चन क्या आता है OLE के नाम से आता है, और OLE का पूरा नाम होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग।
ये एक टेक्निक है जिसके द्वारा दो एप्लीकेशंस को लिंक किया जाता है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता भी देता हूँ। आप पहले देखते होंगे कि यूट्यूब के वीडियो जब व्हाट्सएप में शेयर किए जाते थे तो लिंक पे क्लिक करने पर यूट्यूब ओपन होता था और वहां पर वीडियो प्ले होता था। लेकिन आजकल क्या होता है कि लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे वीडियो के इस पे तो YouTube ओपन नहीं होता, वहीं पर वीडियो प्ले होने लगता है, WhatsApp के अंदर ही वीडियो प्ले होने लगता है। तो ऐसा क्या कैसे होता है? ये होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग के थ्रू। तो आप चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपको पेंटिंग करनी है, क्लियर है? तो MS Word जो है पेंटिंग के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। पेंटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर पहले से उपलब्ध है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट, ये पेंट, MS पेंट बोलते हैं। इस पेंट में खासियत ये होती है कि आपको पेंटिंग के टूल्स मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये आपको पेंटिंग के टूल्स दे रहे हैं। मैं यहाँ पर सर्कल बना सकता हूँ, मैं यहाँ पर कलर फिल कर सकता हूँ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पर एक और सर्कल बना सकता हूँ, एक और सर्कल बना सकते हैं। यहाँ पर हम इसका फेस डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कलर फिल कर सकते हैं, इसमें कलर फिल कर सकते हैं, रबर से हम इरेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पेंटिंग कर सकते हैं जो हम एमएस वर्ड में नहीं कर पाते हैं, क्लियर। अब ये अलग सॉफ्टवेयर है पेंटिंग का और एमएस वर्ड अलग सॉफ्टवेयर है। अगर मुझे यहाँ पर पेंटिंग करनी है यहाँ पर, तो थोड़े देर के लिए मैं दोनों सॉफ्टवेयर को लिंक कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे फोटोशॉप चलाना है, यहाँ पे कोई वीडियो चलाना है, तो मैं लिंक कर सकता हूँ। कैसे लिंक कर सकते हैं, देखिए आप उसके लिए OLE का यूज करेंगे या इंसर्ट ऑब्जेक्ट जो है OLE का ही यूज करता है। तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा और यहाँ पर क्रिएट न्यू और क्रिएट फ्रॉम फाइल भी कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्रिएट न्यू, तो आपको किस टाइप के ऑब्जेक्ट चाहिए। यहाँ पर PDF चाहिए थोड़े देर के लिए, यहाँ पर कोई पिक्चर चाहिए, यहाँ पर कोई एक्सेल शीट चाहिए, यहाँ पर कोई चार्ट चाहिए, यहाँ पर कोई PPT चाहिए या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन चाहिए, कोई मैक्रो चाहिए, किसी और प्रकार की चीज़ चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें हम यहाँ पर ला सकते हैं, क्लियर है। तो हम यहाँ पर बिट मैप इमेज ले लेते हैं। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर ये जो है ओपन हो गया है और मैं यहाँ पर ड्राइंग कर सकता हूँ। दोनों जो है लिंक हो गए हैं और मैं यहाँ पर ड्राइंग कर लेता हूँ। देखिए मैं सेम वैसे ही ड्राइंग करता हूँ जैसे अभी मैं कर रहा था। यहाँ पर मैंने सर्कल बनाया, यहाँ पर मैंने इसको फिलअप कर दिया, यहाँ पर मैंने फिर से सर्कल बना लिया, फिर सर्कल बनाया और फिर से मैंने एक फेस डिज़ाइन कर लिया, क्लियर। उसके बाद आप यहाँ पर जैसा पेंटिंग करना है वैसा पेंटिंग करिए और इसमें जैसे ही आप इसको बंद करेंगे तो ये चीज यहाँ पर आ जाएगी एमएस वर्ड में। देखिए यहाँ पर मैंने पेंटिंग कर ली और इसका रिफ्लेक्शन सीधा यहाँ पर आ रहा है। अब दोबारा जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, देखिए मैं इस पर डबल क्लिक करने जा रहा हूँ, पहली बार क्लिक करने पर तो ये ऐसा आएगा और फॉर्मेट का ऑप्शन आ जाएगा पूरा, लेकिन जब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा तो देखिए ये फिर से ये पेंटिंग वाले इसमें ऑप्शन में ओपन खुल गया। यानी ये वैसा ही है जैसे यूट्यूब क्लिक करते हैं तो यूट्यूब का वीडियो चालू हो जाता है, लिंकिंग हो गई है, OLE बोलते हैं इसको। और ये एग्जाम में आता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये एक थ्योरी का पार्ट है और ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं इनसेट ऑब्जेक्ट, ये उसका इम्प्लीमेंटेशन है, क्लियर है। तो किसी भी दो एप्लीकेशन को आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए एक्सेल चाहिए तो मैं यहाँ पर OLE में जाऊँगा, यहाँ पर ये एक्सेल वर्कशीट पे क्लिक कर देंगे हम तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हमारा एक्सेल जो है ओपन हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं एक्सेल यहाँ पर ओपन हो गया है और आप एक्सेल के फीचर्स यहाँ पर यूज कर पाएंगे, क्लियर। तो ये एक्सेल के फीचर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, एक्सेल के फीचर्स आप देखेंगे तो और बगल पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पर ये पूरी डिटेल मिल जाएगी, क्लियर है।
तो ये OLE वाला जो फीचर है, इसका काम होता है बेसिकली दो चीजों को लिंक करना, दो एप्लीकेशंस को लिंक करना। फर्स्ट यूनिट के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है OLE, और ये एग्जाम में जरूर आता है। और मैक्सिमम लोग जो 5-5 साल से एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो OLE के बारे में नहीं जानते हैं। मैक्सिमम लोग नहीं जानते हैं, 99% लोग नहीं जानते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को जरूर दिया जाता है। और ये एक थ्योरी क्वेश्चन है, उसका इम्प्लीमेंटेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लोग इस ऑप्शन को यूज भी करते हैं, लेकिन इसको उनको पता नहीं रहता है कि इसी ऑप्शन का नाम OLE है। और ये क्वेश्चन आप पिछले साल का पेपर उठा के देखिए, एक दो बार जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, अच्छे अच्छे लोग जो उसमें वर्क करते रहते हैं, उनको भी नहीं पता रहता है OLE क्या है। तो OLE का क्वेश्चन आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला टॉपिक हम देखते हैं इसमें,